दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून शुरू हो गया है, मूसलाधार बारिश हो रही है और जब ऐसी बारिश होती है तो अक्सर जर्जर इमारतें बड़ी जोखिम बन जाती हैं। नई मुंबई की एपीएमसी की जो कांदा बटाटा मंडी है वो भी इसी तरह का एक बड़ा जोखिम है, जिसके पुनर्निर्माण की कई वर्षों से मांग चल रही है। हालांकि हालत जस की तस बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ एपीएमसी के चेयरमैन अशोक डग साहब हैं। हम आपसे ही सर जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कांदा बटाटा मंडी जर्जर हो गई है, जानलेवा हो गई है, बड़ा जोखिम बन गई है, इसके बावजूद भी इसका सुधार नहीं हो रहा, इसका पुनर्निर्माण नहीं हो रहा, बाधा क्या है? आप जो कह रहे हैं वो सच है कि वो जर्जर हो चुकी है। वो पूरा मार्केट पुराना, 40-50 साल पुराना मार्केट है और उस मार्केट को डेवलप करने के लिए व्यापारी और एपीएमसी दोनों ने दिल लगाकर उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। अब एपीएमसी की ओर से जब से हम 1-1.5 साल पहले हमारा पूरा बॉडी बोर्ड यहाँ काम करने लगा है, जब से हमारे एजेंडा में सबसे पहला काम आज कांदा बटाटा मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के रूप में डेवलप किया जाए। मगर वहाँ इतनी बड़ी दिक्कत है कि वहाँ जब कांदा बटाटा मार्केट को नोटिस दी गई थी तब से कुछ व्यापारी लोग कोर्ट में जा चुके हैं, उन्होंने वहाँ से स्टे लाया है। कोर्ट का स्टे रहने के वजह से और महानगर पालिका का नोटिस रहने के वजह से हमको वहाँ कुछ डेवलपमेंट करना है तो तुम जिस बिल्डिंग को अति धोखादायक बताया गया है उस पर अपन खर्चा भी नहीं कर सकते, ऐसा हर तरफ से वहाँ हमारे को डेवलप करने में दिक्कतें आ रही है। और फिर भी हम आज सुबह मैं खुद वहाँ जाकर पूरा 1-2 घंटा पूरा मार्केट में फुल बारिश में घूमा, वहाँ डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमने एपीएमसी की ओर से वहाँ के व्यापारियों को 3-4 बार बैठ के उनके साथ ऐसा एक कोई सुझाव दो, बोला कि जहाँ की आपकी शॉप भी नया हो जाए, मार्केट भी अच्छा बन जाए और यहाँ का जो एक इंटरनेशनल मार्केट के नाम से अपना मार्केट जाना जाए, ऐसा एक मध्य कुछ तो भी बैठ कर निकालने की हम दोनों ओर से कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 1-3 हज़ार हमारे मीटिंग्स भी हो गए, मगर अभी कोर्ट में जो व्यापारी गए उन्होंने पहले वो उनके वहाँ से वो विड्रॉ केसेस करना चाहिए, जिसके उसके बाद हम आगे जल्द वहाँ बढ़ सकते हैं। व्यापारियों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि हम तो तैयार हैं क्योंकि हम बहुत जोखिम में हम ही हैं, लेकिन एपीएमसी जो प्रशासन है और जो ये बॉडी है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ रही है, इसीलिए इसका समाधान नहीं हो पा रहा। नहीं, आज उनका कहना उनकी साइड से उनको अच्छा सच लगता होगा, मगर एपीएमसी की ओर से आज अगर आपका 10x10 का वहाँ शॉप है तो वो शॉप के लिए आप उनकी कुछ और स्क्वायर फीट में ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि उनके आज पार्किंग का उस जमाने में जब बंदा हुआ था जब पार्किंग का ओपन में पार्किंग कर सकते थे, अब अंडरग्राउंड पार्किंग ऐसा 1-2-4 प्लान हमने बैठ के बनाए, उनको बताए, अभी करीब करीब 60-70% हम उसमें कामयाब भी हो गए उनका मन परिवर्तन करने में हमारे व्यापारी भाइयों का। जल्द से जल्द मैं आपको एक खुशखबर भी दूंगा कि एक अच्छा इंटरनेशनल मार्केट कांदा बटाटा का बिल्डिंग का हमने ड्राइंग फाइनल कर दिया है और जल्दी वहाँ नया बांध काम आपको शुरू हो रहा है दिखेगा। आप जैसा खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि एपीएमसी तैयार है अपने तरफ से करने के लिए, लेकिन कुछ व्यापारी हैं जो कोर्ट में चले गए हैं या कुछ लीगल जो उसमें या कुछ बाधाएं आ गई हैं, क्या डिमांड है एक्चुअली व्यापारियों की, किस वजह से इसमें रोड़ा अटका हुआ है? उनको खाली आपको मैं जैसा बोला पार्किंग चाहिए, उनके जो उनका शॉप है उसके ऊपर एक छोटे ऑफिस के लिए जगह चाहिए, ऐसी छोटी छोटी मांगे उनकी, कुछ इतने बड़ी मांगे नहीं है, मगर कोर्ट मैटर लीगल मैटर ये ऐसे 4-5 और ड्राइंग्स 1-2-4 ड्राइंग्स जो है वो सब कुछ आज वहाँ 400-500 व्यापारी एक जगह आकर हर एक आदमी को ड्राइंग पसंद आया ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए सबको अलग अलग तरीके से जितने वहाँ संगठन है उनके साथ बैठकर हमने 1-2 ड्राइंग करीब करीब फाइनल कर दी है। जल्द से जल्द एक अच्छी ड्राइंग वहाँ सबके
विचार सेवा फाइनल की जाएगी। सर 2019 में अगर गौर करें तो महानगर पालिका ने इसको तत्काल खाली करने के लिए विद इन 2 मंथ इसको खाली करने के लिए निर्देश दिया था और महाजर्जर करके घोषित, महाधोखादायक घोषित किया गया था। इसके बावजूद भी व्यापारी वही काम कर रहे हैं। अगर कल इसका बड़ा कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? उनको आप जो कह रहे हो 2019 को उनको नोटिस खाली करने की दी जा चुकी है और उनको परे हमने जगह भी एक सुझाई अच्छा। सुझाई थी कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाए, मगर उन्होंने कुछ माना नहीं। मगर अभी अगर कुछ तो वो पूरा नोटिस देकर हमने कहा कि इसके बाद जो कुछ आप हादसा होगा हाँ। तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, व्यापारी रहेगा। इसी नोटिस 2019 को उनको दी जा चुकी है। और एक बार मैं ये हमारा जो एक दो ड्राइंग्स अच्छे बनाए हैं मार्केट के, उसमें से एक दो ड्राइंग्स में से करीब ड्राइंग्स फाइनल होने के बाद उनको खाली करने के हम और एक बार एक नोटिस देंगे आपको। अभी हमने कुछ गलियों में देखा था, जी गली वहाँ पर उसकी हालत इतनी ख़राब है, देख के डर लगता है कभी भी हादसा वहाँ पे हो सकता है। तो जब ऐसी हालत है तो जब से आप चेयरमैन बने हैं हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ इसका बड़ा समाधान निकलेगा। अगर इतना जोखिम आप आज आपने खुद कहा कि हमने खुद आपने APMC का पूरा गलियों का दौरा किया है, सर इसके लिए वैकल्पिक दूसरा कोई इंतजाम क्यों नहीं हो रहा है? कोई ट्रांजिट कैंप क्यों नहीं दिया जा रहा है कि ताकि अगर कोई हादसा हो तो कम से कम जिंदगियों को बचाया जा सके? नहीं, जल्द ही उनको अलग एक सेपरेट जगह दी जाएगी। अगर अपने को नया शॉपिंग वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना है तब भी अपने को उनको पर्यायी जगह देना ही पड़ेगा। हाँ। खाली करने के लिए ऐसा तो मार्केट बंद नहीं रख कर सकते। तो इसलिए उनको वो जगह, दूसरी पर्यायी जगह एक दो हमने उनको सुझाया, वहाँ उनका मार्केट शिफ्ट करेंगे और वहाँ नया बांधकाम अपन जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। कोई जगह अगर बता सकते हैं कि जो व्यापारियों, जो लोगों को समझ में आए कि हाँ इस जगह पे सजेस्ट किया जाए? इतना बड़ा मार्केट है कि वो पूरा सेट हो एक जगह पे, ऐसी तो कोई फिलहाल इतनी बड़ी जगह नहीं है। हमारे इधर एक दो शेड बड़े बड़े है, तो उनको मैं बोला वो दो चार शेड को देख कर आप नया मार्केट करना है तो भी आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा और अति धोखादायक है और इसलिए भी आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। अब एक ही इस पे आपने को आना पड़ेगा कि ये रेनी सीजन में आपको वहाँ से शिफ्ट होना जरूरी है। एक चीज जो सामने निकल के आई है कि जिस तरह से बात चल रही है कि आप तैयार हैं, व्यापारी जोखिम में है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कहीं राजनीतिक कारणों से ये मामला अटका पड़ा हुआ है? नहीं, और नहीं। अब जब सरकार बदल गई है तो कुछ उम्मीद है कि इसका समाधान जल्दी होगा? हो जाएगा, मगर इसमें कुछ राजनीति का कोई सवाल नहीं है क्योंकि यहाँ उनको व्यापार करने का है और वो है, वो हर साल हर महीना उनका जो शेष हमको देते हैं वो टाइम पर देते हैं। उनको भी, हमारा भी कर्तव्य है कि उनको भी अच्छी हमारे ओर से सेवा दी जाए। इसमें कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा इशू है इसमें नहीं। कुछ व्यापारियों ने मुझे मतलब विदाउट कैमरा ऑफ रिकॉर्ड कहा कि APMC हमारे साथ थोड़ा अन्याय कर रही है, हमें जितना हक मिलना चाहिए, जितना बड़ा दुकान या गाला मिलना चाहिए उतना गाला देने के लिए तैयार नहीं है, और जो रीडेवलपमेंट का मामला है बिल्डरों को या दूसरे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं नहीं, इसमें क्या है, उनको आज जो उनके पोजीशन में जगह है उससे जगह थोड़ी स्क्वायर फीट में ज़्यादा मांग है उनकी। तो जरूरी है, आज उनका व्यापार बढ़ गया है, लोग बढ़ गए, व्हीकल्स अभी बढ़ गए हैं, रोज 5-6 हज़ार व्हीकल्स का आना जाना अपने मार्केट में, ये हिसाब से उनका भी जो मांग है थोड़ा ज़्यादा उनको जगह मिल जाए उनके शॉप में, वो हम उसको भी देने की ज़्यादा ज़्यादा उनको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका कार्यकाल तकरीबन 2-1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है और व्यापारियों की ये उम्मीद थी कि आपके नेतृत्व में, आपके चेयरमैनशिप में जल्दी और तत्काल काम होंगे, नहीं हो रहा है, कहाँ आपको चुनौती आ रही है? 1.5 साल में हमारा 1 साल कोविड में चला गया। जैसे हम हमारे इलेक्शन हो गए, 6 महीने कोविड की वजह से हमारे चेयरमैन की चुनाव नहीं हो सका। उसके 6 महीने के बाद जब चुनाव हमारा हो गया चेयरमैन बोल के, उसके बाद 1-1.5 साल और 1.25 साल फिर सेकेंड कोविड का ये आ गया इफेक्ट, उसकी वजह से वहाँ हमारा थोड़ा काम करने को टाइम कम मिला। अभी जब से मिला, एक 5-6 मीटिंग एकदम सीरियस
उनके कांदाघाटा बटाटा डेवलप के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हमने किए, उसमें हम 80-90% हम उसमें सफल हो गए चुके हैं ऐसा मुझे लगता है, और आपको भी उसका परिणाम जल्दी देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल, अब इस ऐसी कंडीशन में अगर व्यापारी कांदा बटाटा मार्केट मंडी के जो व्यापारी हैं जान का जोखिम लेके काम कर रहे हैं, उनको नोटिस है 2 साल पहले से, तीन साल होने को आ गया कि वो तत्काल खाली करें, उनके लिए ट्रांजिट कैंप के लिए आपने सजेस्ट किया है, इसके बावजूद अगर वो नहीं जा रहे हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे उन्हें कि भाई वो खाली हो या जिंदगियों को बचाने के लिए कम से कम ये फैसला लिया जाए? नहीं, वो खाली ही करना पड़ेगा उनको, उनको खाली ही करना पड़ेगा, पर्याय जल्द जगह जल्द से जल्द 2-4 दिन में हम उनका और एक दो ट्रांजिट कैंप के हिसाब से बताने जा रहे हैं। अगर नहीं किया तो उनको वहाँ से अपना शॉप बंद करना पड़ेगा। कोई तैयारी आपने की है कि अगर वो नहीं मानते हैं फिर भी रिस्क लेके अगर मंडी चलाते हैं तो क्या होगा? 2019 को ही उनको लेटर दे चुका है कि आपका मार्केट वहाँ बंद करो, आपका व्यवसाय वहाँ मत करो, फिर भी वो वहाँ कर रहे। कोर्ट ने भी वैसा ये कह रहा है कि सब जवाब जिम्मेदारी आप पे होगी कुछ अगर दुर्घटना हो गई तो उनके लिए वहाँ से हटना जरूरी इसलिए कि पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल, तो अब मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये माना जाए कि अगर वो व्यापारी कुछ दिनों में नहीं हटते हैं तो उन्हें दुकानें बंद कराई जाएंगी, नियमानुसार दुकानें उनको बंद करवाएंगे आप? एक अपील आपसे चाहता हूँ, क्या अपील करेंगे उन व्यापारियों से? मैं व्यापारी से एक ही अपील करूँगा कि आप और हम मिलकर जल्द से जल्द अपन 60-70% हमारा बोर्ड आने के बाद आगे बढ़ चुके हैं, 2-3 प्लान भी फाइनल हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द जो छोटी मोटी दिक्कतें कुछ APMC के ओर से उनको लगती होगी या हमें उनकी व्यापारी के ओर से लगती होगी, आगे दो कदम आगे चलकर एक दूसरे को समझकर जल्द से जल्द इसमें से उन्होंने हमको सहकार्य करके मार्ग निकालना चाहिए। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना कि APMC के चेयरमैन अशोक डग साहब ये अपील कर रहे थे कि व्यापारियों को अब जर्जर गालों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके पहले APMC प्रशासन की ओर से उन्हें ट्रांजिट कैंप उपलब्ध कराने की कोशिश चल रही है और जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह मानसून में भारी बारिश चल रही है और जिस तरह की उनकी हालत है उन गालों की, उन्हें तत्काल खाली करना जरूरी है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब बड़ा हादसा होगा और कई लोगों की जिंदगियाँ इसमें तबाह हो सकती हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए TV1 India Live। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।